पोटैटो चिप्स बनाने के लिए सबसे पहली यूज में आती है ये पोटैटो पीलर, क्योंकि बिना पीलिंग के चिप्स कैसे बनेगा। और यदि फ्रेश चिप्स बनाना है तो भैया पीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। 40 से 50 किलोग्राम तो हम हाथों से ही पीलिंग कर सकते हैं, लेकिन कई कुंटल पीलिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी काम को आसान बनाती है ये पोटैटो पीलर। इस मशीन के द्वारा पोटैटो पीलिंग करना बस चुटकियों का काम है। आप सिर्फ यहाँ ऊपर से मशीन में आलू डाल दीजिए, उसके बाद मशीन ऑन करते ही यहाँ देखिए पीलिंग होना स्टार्ट हो गई है। अब इसमें पानी डालते जाइए जिससे कि वॉशिंग भी हो जाए। यह मशीन 2-in-1 है जो कि पीलिंग के साथ साथ वॉशिंग भी कर देती है, और यहाँ साइड से इसका जो भी वेस्ट मटेरियल है वो निकल जाता है। और लगभग कुछ ही मिनट में पीलिंग होकर पोटैटो एकदम से रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि आलू की पीलिंग काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी में हुई है और एकदम से क्लीन भी हो गए हैं। यह मशीन 3 मॉडल में अवेलेबल है। आप चाहे तो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग 10, 15 और 25 किलोग्राम कैपेसिटी की ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। पीलिंग करने के बाद इनका चिप्स बनाने के लिए यह चिप्स कटिंग मशीन बहुत ही बेहतरीन है। यह मशीन कितने स्पीड में स्लाइसिंग करती है अभी आप देखेंगे। इसमें 2 कटर मिलते हैं जिससे कि आप 2 प्रकार में कटिंग कर सकते हैं। मशीन बहुत बड़े साइज़ की नहीं है, काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ की है और सिर्फ 55 किलोग्राम की है, तो इसे आप अपने घर में भी लगा सकते हैं। और असेंबल करने के बाद मशीन ऑन करना है और यहाँ ऊपर से आलू डालते जाइए। अभी आप देखिए कितना तेज़ी से स्लाइसिंग हो रही है, और स्लाइसिंग होने के बाद यह चिप्स नीचे आ रहे हैं। मशीन में 0.5 HP का मोटर लगा हुआ है, इसके द्वारा किस तरह सेकंडों में स्लाइसिंग हो रही है आप देख ही सकते हैं। स्लाइसिंग करने के बाद यदि आप मशीन की क्लीनिंग करना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इन कटर को निकाल कर क्लीनिंग कर सकते हैं। इसमें थिकनेस एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन दिया जाता है। इन स्क्रू के द्वारा आप ब्लेड को एडजस्ट करके लगभग 1 mm से लेकर 3 mm तक चिप्स की कटिंग कर सकते हैं। अभी यहाँ पर कटर चेंज करके सली चिप्स की कटिंग की जाएगी, तो अच्छी तरीके से टाइट कर लीजिए। और आप यहाँ देखिए एकदम बेहतरीन क्वालिटी में सली चिप्स की कटिंग हो रही है। यह पूरा का पूरा कमाल कटर का है। आप चाहें तो कटर चेंज करके किसी भी तरह की सब्जी किसी भी शेप में काट सकते हैं। यह तो कटिंग हो गई प्लेन और सली चिप्स की, लेकिन जिस तरह की चिप्स आप पैकेट में खाते हैं तो सेम उस तरह की कटिंग भी इसी मशीन से हो जाएगी। तो बस कटर चेंज कर लीजिए और यहाँ देखिए कितने स्पीड में रफर चिप्स की कटिंग हो रही। जिन चिप्स को आप खाते हैं एक्चुअली इन्हें रफर चिप्स कहा जाता है, और इनकी कटिंग भी कुछ इसी कटर से की जाती है। यह मशीन साइज में जितनी छोटी है काम में भी उतनी ही फास्ट है। इसके द्वारा आप सिर्फ 1 घंटे में 2 क्विंटल से अधिक आलू की कटिंग करके चिप्स तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही गजब की चीज़ है। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। ड्राई करने के बाद अब इनको फ्राई किया जाएगा, और फ्राई करने के बाद इसमें एकदम क्रंची मसाले मिलाए जाएंगे, तभी जाकर एकदम चटपटा टेस्ट तैयार होगा और इसी टेस्ट की पूरी दुनिया दीवानी होगी। अभी यह जो कटिंग हुई है इस आलू में पानी है, तो फ्राई करने से पहले इनको ड्राई किया जाता है। इसके लिए भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब, हम ब्लेज मशीनरी की पोटैटो चिप्स ड्राइंग मशीन लेकर आए हैं। इसमें आप सिर्फ स्लाइस किए गए आलू को डाल दीजिए, उसके बाद यह बस कुछ ही मिनट में एकदम सूख जाएंगे। इसमें जो भी पानी है वो बाहर निकल रहा है। सिर्फ 1 मिनट में ही आलू में जो भी मॉइस्चर था वो एकदम से सूख चुका है। अब इसे निकाल लेंगे, और ड्राई करने के बाद इसे फ्राई किया जाता है। फ्राई करने के लिए भी आप नॉर्मल कढ़ाई नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फ्रायर का यूज़ करिए। इसमें चिप्स डालते ही बस यूँ ही फ्राई होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें सबसे बेहतरीन फीचर है कि आप चाहें तो इसके हीटिंग टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि चिप्स कड़क बनाने के लिए अधिकतर बार नॉर्मल टेम्परेचर पर ही फ्राई किया जाता है, जिससे कि बिल्कुल कुरकुरी चिप्स तैयार हो। इलेक्ट्रिक फ्रायर है, इसमें नीचे हीटिंग प्लेट लगी होती हैं जिससे कि ऑयल गर्म हो जाता है। इसमें एक चीज़ है कि टेम्परेचर ऊपर नीचे ना होने के कारण अच्छी क्वालिटी में चिप्स फ्राई हो रहे हैं, और लगभग 1 से 2 मिनट में ही एकदम कड़क हो जाएंगे। अभी आप इनको थोड़ा थोड़ा चलाते जाइए जिससे कि ऊपर नीचे दोनों साइड अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। इस फ्रायर के यूज़ करके चिप्स फ्राई करना बहुत ही आसान हो जाता है। यदि आप मशीन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप कॉल में डिस्कस करके इन मशीन के प्राइस में डिस्काउंट वगैरह करवा सकते हैं। और बस कुछ ही देर में इसका कलर गोल्डन हो गया, हल्का गोल्डन कलर में ही इसको निकाल लीजिए। यह तो मैनुअल फ्रायर है जिसमें कि आपको हाथों से फ्राई करना पड़ रहा है। स्टार्टअप लेवल में तो आप इसी फ्रायर के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यदि आप थोड़ा बड़े लेवल में वर्क करना चाहते हैं तो आप बैच फ्रायर के यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक ही बार में अधिक क्वांटिटी चिप्स फ्राई हो जाती है, तो बस एक साइड से कटे हुए चिप्स को डाल दीजिए, और यहाँ देखिए अच्छी तरीके से फ्राई होना स्टार्ट हो गया है। इस मशीन को ब्लेज मशीनरी के द्वारा बनाया गया है, जो कि डीजल से चलती है और लेस एनर्जी कंज्यूम करती है।
बिल्कुल सिंपल डिजाइन में बनाया गया है तो मेंटेनेंस वगैरह का खर्चा बहुत ही कम हो जाता है। और अभी आप देखिए कि चिप्स एकदम से फ्राई हो गया है, अब इसको उठाकर आप एक साथ ही पूरा चिप्स निकाल सकते हैं, इससे टाइम बहुत कम लगता है। अभी तो नॉर्मल चिप्स तैयार हुआ है, इसको क्रंची बनाने के लिए मसाला मिक्स करना तो बाकी है। मिक्सिंग करने के लिए यह फ्लेवरिंग मशीन बहुत ही बेहतरीन काम करती है। इसमें मसाला डालने के बाद फ्राई किए गए चिप्स को डाल दीजिए और यहाँ देखिए एकदम अच्छी तरीके से मसाला कोटिंग हो रही है और बस कुछ ही सेकंड में चिप्स में मसाला मिक्स हो जाता है। अब देखिए चिप्स तो रेडी हो गया, लेकिन मेन चीज़ आती है इसकी पैकिंग और ब्रांडिंग। तो फूड लाइसेंस लेने के बाद आप अपने कंपनी का जो भी नाम डिसाइड करते हैं उसके हिसाब से पैकिंग कवर प्रिंट करवा लीजिए और प्रिंट करवाने के बाद पैकिंग करने के लिए आप इस सेमी ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन को ले सकते हैं जो कि सिर्फ एक मिनट में 20 से 25 पैकेट रेडी कर देती है। इसमें पीछे 11 फुट का कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है, इसमें आप वजन करके सभी में चिप्स डाल दीजिए। यह सेमी ऑटोमेटिक मशीन है तो आपको मैनुअली हाथों से चिप्स रखना पड़ेगा और इसके द्वारा पैकिंग करने के बाद आप भी अपना एक ब्रांड मार्केट में खड़ा कर सकते हैं। अब जैसे ही मशीन ऑन करते हैं तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली ही पैकिंग होने स्टार्ट हो गया है। यहाँ से यह चिप्स पैकेट में चला जाता है और नीचे मशीन पैकेट में नाइट्रोजन गैस डालने के बाद इसे सील कर देती है। न्यू टेक इंडिया चैनल की एक यही क्वालिटी है कि हम सिलेक्टेड और लो बजट मशीन लेकर आते हैं जिससे कि आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएं। इस मशीन को हमने सिलेक्ट इसलिए किया क्योंकि साइज में छोटी है और साथ ही में काफी लो बजट की है। जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जैसे कि सिंगल हेड डबल हेड, इनका रेट लगभग 4 लाख रुपए 12 लाख रुपए होता है, लेकिन इस मशीन का रेट सिर्फ 1,75,000 रुपए है। सिर्फ यही नहीं, हमारे चैनल में फूड बिजनेस के लिए बहुत सारी ऑटोमेटिक मशीन्स अवेलेबल हैं जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये मशीन्स आपके बिजनेस में 10 गुना ग्रोथ दे सकती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार इन सभी मशीन्स को देखिए। पैक होने के बाद आप इस पैकेट की क्वालिटी देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तरीके से पैक हुआ है। आप भी इन सभी मशीन्स के यूज करके अपनी एक चिप्स कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए वीडियो पसंद आ ही गई है तो चैनल पे विजिट करिए क्योंकि नई नई ऑटोमेटिक मशीन्स आपका इंतज़ार कर रही हैं। चलिए मिलता हूँ स्क्रीन में दिख रहे इस नई और शानदार मशीन वीडियो में।